आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताइएगा सर, क्या स्पेशल सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं? हम लोग, हमारी कंपनी का नेम है एडवांस मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में काम करते हैं। उसमें हमारा आजकल जो व्यू है वो यही है कि एनर्जी सेविंग, कि हम अपनी गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में, क्योंकि हमारे एनर्जी का जो है वो बहरान है, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन इंट्रोड्यूस कराएँ जो आपको एनर्जी सेविंग हो। तकरीबन 70% हमारे यहाँ एनर्जी सेविंग का जो हम न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो 70% आपकी एनर्जी सेविंग कर रही है पुरानी ओल्ड मशीनों से। सर, जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं इसमें आपके कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स भी हैं सर, उनसे डील करने के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है? नहीं, हम बेसिकली डायरेक्टली पहले तो हम खुद इम्पोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पर जो है हमने अपने लोग रखे हुए हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, हर जगह हमारे एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी कस्टमर से। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए सर, तो आपको लगता है हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे आपका बिज़नेस और ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है? नहीं, ख़त्म तो हो सकता है, मगर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि जिसकी वजह से और बढ़े, क्योंकि ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं जिसकी वजह से मसले मसाइल हैं। सर, expresentive.tv के व्यूअर्स जो हैं उनको आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हो? बस उनको यही पैगाम है कि ज़्यादा थोड़ा सा बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा आप हिलाएं, आप लोग उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सारे मसले हैं, आपको इम्पोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ड्यूटियाँ कितनी लग रही हैं, क्योंकि जो हम एनर्जी से भी एक एनर्जी सेक्टर पे जो काम कर रहे हैं उसमें आपके मुल्क की बेहतरी है ना, कि अगर आपकी एनर्जी सेव होती है, सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए सबकी बेहतरी है। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे।